Hello everyone. Welcome to my engineering IQ channel. Today our topics is the fertilizer technology, 42 important questions. Every question is very important for NFL and uh, chemical engineering. I hope like my video, now start. Question number 38: The essential ingredient of all the synthesis gas is option A, hydrogen, option B, oxygen, option C, carbon dioxide, option D, nitrogen. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हाइड्रोजन द एसेंशियली इनग्रीडियंट ऑफ ऑल द सेंथेसिस गैस इज़ हाइड्रोजन ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन ए फर्टिलाइजर कंटेंस एटी टू परसेंट नाइट्रोजन इट कुड बी ऑप्शन ए यूरिया ऑप्शन बी लिक्विड अमोनिया ऑप्शन सी अमोनियम नाइट्रेट ऑप्शन डी नन ऑफ दिज ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर लिक्विड अमोनिया बिकॉज फर्टिलाइजर कंटेंस 82 परसेंट नाइट्रोजन इट कुड बी लिक्विड अमोनिया बी इज़ करक्ट आंसर लिक्विड अमोनिया नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40, हीटिंग ऑफ और एसिड टू अबाउट 900 डिग्री सेल्सियस टू प्रोड्यूस ऑप्शन ए मेटाफोस्पेरिक एसिड ऑप्शन बी पायरोफोस्पेरिक एसिड ऑप्शन सी नो चेंज इन इट ऑप्शन डी नन ऑफ दीज ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर मेटाफोस्पेरिक एसिड बिकॉज हीटिंग ऑफ ऑर्थोफोस्पेरिक एसिड इज अबाउट 900 हंड्रेड डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूस मेटाफोस्पेरिक एसिड इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41, वन बॉथ वाइट फॉस्फोरस एज वेल एज रेड फॉस्फोरस ऑप्शन ए आर सोलोबल इन कार्बन डाइसल्फाइड ऑप्शन बी बंस वहन हीटेड इन एयर ऑप्शन सी रिएक्ट्स विद हॉट कास्टिक सोडा सॉल्यूशन टू गिव्स फोस्फाइन ऑप्शन डी आल ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर बर्न्स वैन हीटेड इन एयर बिकॉज बॉथ वाइट फास्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस आर बर्न्स वहन इन हीटेड इन एयर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू कैटलिस्ट यूजड इन स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नैफता इज ऑप्शन ए निकेल ऑप्शन बी पलेटीनम ऑप्शन सी सिलिका जेल, ऑप्शन डी रोडियम, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर निकेल, बिकॉज कैटलिस्ट यूज इन रिफॉर्मिंग स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नैफता इज़ निकेल, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री मॉन्टे कैटे प्रो इज यूजड फॉर द मैनुफैक्चरिंग ऑफ ऑप्शन ए नाइट्रिक एसिड ऑप्शन बी फॉस्पेरिक एसिड ऑप्शन सी यूरिया ऑप्शन डी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर यूरिया बिकॉज मॉन्टेकैटनी प्रोसेस इज़ यूज फॉर द मैनफेक् सी इज़ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर फोस्फेटिक फर्टिलाइजर्स आर ऑप्शन ए आर यूजफुल ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ द प्लांट ग्रोथ ऑप्शन बी एक्सलेट फ्रूट फॉर्मेशन इन लेटर स्टेज ऑफ द ग्रोथ option c lessen the effect of excessive nitrogen application option d none of these option b is correct answer accelerate fruit formation in later stage of growth because phosphatic fertilizers are accelerate fruit formation in stage of growth option b is correct answer next question question number 45 नैफ्ता इन ए फर्टेलाइजर प्लांट इज़ यूज एज ए सोर्स ऑफ ऑप्शन ए फ्यूल ऑप्शन बी हाइड्रोजन ऑप्शन सी नाइट्रोजन ऑप्शन डी ऑक्सीजन ऑप्शन बी इज़ करक्ट आंसर हाइड्रोजन बिकॉज नैफ्ता इन ए फर्टेलाइजर प्लांट इज़ यूज एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन बी इज़ करक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स मैक्सिमम नाइट्रोजन परसेंटेज इज़ इन ऑप्शन ए मैक्सिमम सल्फेट ऑप्शन बी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ऑप्शन सी यूरिया ऑप्शन डी लिक्विड अमोनिया ऑप्शन डी इज़ करक्ट आंसर लिक्विड अमोनिया बिकॉज मैक्सिमम नाइट्रोजन परसेंटेज इज इन द लिक्विड अमोनिया क्योंकि बिकॉज एटी परसेंट यूरिया में फोर्टी परसेंट होता है सो so, Uh, liquid ammonia is the maximum nitrogen percentage in next question question number 47 nitrogen content in a ammonium sulfate as a fertilizer is around blanks percent option a 5% option b 20% option c 50% option d 65% option b is correct answer 20% because nitrogen content in a ammonium sulfate इज़ अराउंड ट्वेंटी परसेंट बी इज करक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट लार्जेस्ट कैपेसिटी नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर प्लांट्स इन इंडिया आर लोकेटेड एट ऑप्शन ए थाल वेस्ट इन आर सी एफ इन महाराष्ट्र में है एंड हजारिया एंड के इन गुजरात में ऑप्शन बी तालचार जो कि उड़ीसा में है एंड रामकनम इन आंध्र प्रदेश में एंड बहुत एफ सी आई के अंडर ऑप्शन सी कोरबा मध्य प्रदेश एंड चार उड़ीसा एंड बहुत एफ सी आई ऑप्शन डी हल्दिया वेस्ट बंगाल में है एंड मैमरुप असम में है बहुत एच एफ सी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर थाल वेस्ट अंडर आर सी एफ इन महाराष्ट्र एंड हजारिया अंडर इफको इन गुजरात आपने खाद के कट्टों पर देखा होगा इफको सो so, दिस इज़ द ऑप्शन ए इज करक्ट आंसर लार्जेस्ट कैपेसिटी नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर प्लांट्स इन इंडिया आर लोकेटेड थाल वेस्ट अंडर आर सी एफ एंड हजारिया इन गुजरात में है सो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ यूरिया इज अबाउट ब्लैंक्स परसेंट ऑप्शन ए टेन परसेंट ऑप्शन बी फोर्टी सिक्स परसेंट ऑप्शन सी एटी परसेंट ऑप्शन डी 94% option b is correct answer 46% because nitrogen content of urea is about 46% so b is correct answer next question question number 50 triple superphosphate is made by reacting superphosphate rock with blanks acid option a phosphoric acid option b nitric acid option c sulfuric acid Option D hydrochloric acid. Option A is correct answer phosphoric acid because triple superphosphate is made by reacting phosphatic rock with phosphoric acid, and uh, single superphosphate is made by reacting with sulfuric acid with phosphatic rock. So, A option is correct answer phosphoric acid. Next question question number 51. The fertilizer plant getting hydrogen by electrolysis of water is situated at option A, Nemrup option B, Nangal, option C, Roorkela, option D, Korba. Option B is correct answer, Nagal. The fertilizer plant getting hydrogen by electrolysis of water is situated at Nagal. Next question, question number 52. The chemical formula of burate is. ऑप्शन ए एन टू सी ओ एन टू ऑप्शन बी एन एस थ्री सी ओ ओ एन एस थ्री ऑप्शन सी एन एस टू सी ओ एन एच सी ओ एन एस टू ऑप्शन डी एन एच फोर सी ओ एन एस टू ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर एन एच टू सी ओ एन एच सी ओ एन एच टू ऑफ ब्यूरेट इज़ सी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री रॉक फॉस्फेट कंस्टिट्यूट्स मैनली ऑफ ऑप्शन ए फ्लोरापाइटाइट ऑप्शन बी डाई कैल्शियम फोस्फेट ऑप्शन सी मोनो कैल्शियम फोस्फेट ऑप्शन डी डाई अमोनियम फोस्फेट ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फ्लोरापाइटाइट रॉक फोस्फेट कंस्टिट्यूट मैनली ऑफ फ्लोरापाइटाइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर डिहाइड्रेशन ऑफ अमोनियम कार्बोमेट प्रोड्यूसिस ऑप्शन ए यूरिया ऑप्शन बी ब्यूरेट ऑप्शन सी अमोनिया वाटर ऑप्शन डी नन ऑफ दिज ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर यूरिया बिकॉज डिहाइड्रेशन ऑफ अमोनियम कार्बोमेट प्रोड्यूसिस यूरिया ए इज़ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव अमोनिया सेंथेसिस रिएक्शन इज ऑप्शन ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑप्शन बी एंडोथर्मिक ऑटोकेटलेटिक ऑप्शन डी नन ऑफ दिज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज अमोनिया सेंथेसिस एक्शन इज ए एक्जोर्मिक रिएक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56 कोल बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स एट ए रामगढ़म जो कि आंध्र प्रदेश में है एंड टाल चार उड़ीसा में हैं जो ऑप्शन ए यूज कोल फॉर हीटिंग पर्पस ऑप्शन बी गैसिफाई कोल टू गेट हाइड्रोजन फ्रॉम कोल गैस ऑप्शन सी यूज कोल एज ए फिलर इन ए फर्टिलाइज़र ऑप्शन डी यूज कोल एज ए कंडीशनर इन ए फर्टिलाइजर ऑप्शन बी इज़ करैक्ट आंसर गैसिफाई कोल टू गैट हाइड्रोजन फ्रॉम कोल गैस ऑप्शन बी इज़ करैक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसिफायर कैन बी अटैचड टू द कोल बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स ऑप्शन ए लुर्गी मीन्स हाई प्रेसर गैसिफायर है ऑप्शन बी कॉपर टॉट जैक गैसीफायर ऑप्शन सी गैसीफायर वर्किंग एट ट्वेंटी एटमोसफियर ऑप्शन डी गैसीफायर वर्किंग एट फोर्टी एटमोसफियर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर कॉपर टॉट जैक गैसीफायर कोई गैसीफायर का नाम है आर कैन बी अटैचड टू कोल बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स बी इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट A nitrogenous fertilizer contains 20% nitrogen it could be option A ammonium nitrate option B calcium ammonium nitrate option C urea option D ammonium chloride option B is correct answer calcium ammonium nitrate because nitrogenous fertilizers contains 20% nitrogen it could be calcium ammonium nitrate B is correct answer Next question, question number 59 Gas based fertilizer plants use option A natural gas as a source of hydrogen, option B natural gas as a heating medium, option C coal gas as a source of hydrogen, option D coal gas as a heating medium. Option A is correct on natural gas as a source of hydrogen because gas based fertilizer plants use natural gas. एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन ए इज़ करक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी कैटलिस्ट यूज इन ए स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ ए नैफ्ता इज ऑप्शन ए बॉक्साइट ऑप्शन बी कोबाल्ट ऑप्शन सी निकल ऑक्साइड ऑन एलमोना स्पोर्ट ऑप्शन डी क्रोमियम ऑप्शन सी इज़ करक्ट आंसर निकल ऑक्साइड ऑन एलमोना स्पोर्ट Because catalyst used in the steam reforming of naphtha is nickel oxide on alumina sport. C is correct answer. Next question question number 61 Which of the following fertilizers contains the least percentage of nitrogen? Option A liquid ammonia, option B urea, option C ammonium phosphate, option D ammonium sulphate. Option C is correct answer ammonium phosphate because the fertilizer contains the least percentage of nitrogen is ammonium phosphate c is correct answer next question question number 62 oxidation of ammonia is option a exothermic reaction option b endothermic reaction option c non catalytic option d autocatalytic option a is correct answer exothermic reaction ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इज़ ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन सो इज आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 63 रिएक्शन ऑफ ऑर्थोफोस्पेरिक एसिड विद फोस्फेट रॉक प्रोड्यूस ऑप्शन ए सुपर फोस्फेट ऑप्शन बी ट्रिपल सुपर फोस्फेट ऑप्शन सी मेटाफोस्पेरिक एसिड ऑप्शन डी मोनोअमोनियम फोस्फेट ऑप्शन बी इज़ कर सुपर फोस्फेट बिकॉज द रिएक्शन ऑफ ऑर्थोफोस्फेरिक एसिड विद फोस्फेट रॉक प्रोड्यूस ट्रिपल सुपर फोस्फेट दक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर टेम्परेचर एंड प्रेसर इन अमोनियम कन्वर्टर इज ऑप्शन ए टू हंड्रेड एट्मोस्फियर एंड टेम्परेचर वन थाउजेंड डिग्री सेल्सियस ऑप्शन बी फोर हंड्रेड फिफ्टी एटमोस्फियर एंड टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑप्शन सी 450 atmosphere and 550 degree Celsius temperature. Option D 450 atmosphere and 1000 degree Celsius temperature. Option C is correct answer 550 atmosphere and pressure 5050 degree Celsius. So B is C is correct answer. Temperature and pressure in ammonium converter is 450 atmosphere and 50. 550 degree celsius next question question number 65 ph value of soil is maintained at blanks by the addition of fertilizer for optimum growth and health of the plant option a 4 to 5 option b 7 to 8 option c 9 to 10 option d 12 to 13 option b is correct answer 7 to 8 because PS value of the soil is maintained at 7 to 8 by the addition of fertilizer for optimum growth and health of the plant. So B is correct answer. Next question question number 66 urea which is a nitrogenous fertilizer hai, is produced from by carbon dioxide and option nitric acid option B ammonia option C ammonium nitrate ऑप्शन डी नाइट्रिक एसिड ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया इज़ प्रोड्यूस यूरिया सो बी इज़ करेक्ट आंसर अमोनिया नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज़ यूज एज ए कैटल फीड ऑप्शन ए यूरिया ऑप्शन बी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ऑप्शन सी सुपरफोस्फेट ऑप्शन डी अमोनियम सल्फेट Option A is correct answer urea because fertilizer used as a cattle feed is a urea. A is correct answer. Okay, Next question question number 68 Burette formation in a urea is kept at a minimum less than 1% because it's option A, corrosive in nature, option B, toxic and harmful to some crops option c helpful in decomposition of urea option d explosive in nature option b is correct answer toxic and harmful to some crops so b is correct answer next question question number 69 catalyst used in disulfurization of naphtha is option a cobalt and molybdenum option b platinum and rhodium ऑप्शन सी सिलिका सिलिकाजेल ऑप्शन डी निकल ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर कोबाल्ट एंड मोलेबेडियम आर यूज इन डाइसल्फ्राइजेशन ऑफ नैफ्टा बिकॉज ए इज़ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी, ए फॉस्पेटिक फर्टिलाइजर कंटेंस 16 परसेंट फोस्फोरस पेंटा ऑक्साइड इट कुड बी ऑप्शन ए डाइकैल्शियम कैल्शियम ऑप्शन बी सुपर फोस्फेट ऑप्शन सी ट्रिपल सुपर फोस्पेट ऑप्शन डी नन ऑफ दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर सुपर फोस्पेट ए फोस्पेटिक फर्टिलाइजर कंटेंटीन परसेंट पेंटा फोस्फोरस पेंटा ऑक्साइड ऑफ सुपर फोस्पेट सो बी इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन ब्लैंक्स इज ए नॉट फर्टिलाइजर ऑप्शन ए कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ऑप्शन बी सल्फेट ऑप्शन सी लिक्विड अमोनिया ऑप्शन डी अमोनियम सल्फेट ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर फेरस सल्फेट इज़ ए नॉट ए फर्टिलाइजर सो बी इज़ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू ब्लैंक्स इज़ द अनडिजायरेबल बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द मैनुफैक्चरिंग ऑफ यूरिया ऑप्शन ए अमोनियम कार्बोनेट ऑप्शन बी ब्यूरेट ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन डी अमोनियम कार्बोमेट ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर ब्यूरेट ब्यूरेट इज़ द अनडिजायरेबल बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया सो बी इज़ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री विच इज़ द बेस्ट फर्टिलाइज़र फॉर पेडी ऑप्शन ए अमोनियम सल्फेट ऑप्शन बी नाइट्रोफोस्फेट ऑप्शन सी सुपरफोस्फेट ऑप्शन डी Potassium nitrate. Option A is correct answer. Ammonium sulfate because is the best fertilizer for the paddy. A is correct answer. Ammonium sulfate. Next question. Question number 74. Man constituent of phosphatic rock is option A, ammonium phosphate. Option B, fluorapatite. Option C, calcium fluoride. Option D, calcium phosphate. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर फ्लोर एपेटाइट इज़ द मैन कंस्टिट्यूंट ऑफ फोस्पेटिक रॉक सो बी इज़ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम कार्बोमेट बाय रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद कार्बन डाइऑक्साइड इज ए ब्लैंक्स रिएक्शन ऑप्शन ए कैटेलेटिक रिएक्शन ऑप्शन बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑप्शन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन Option D reversible reaction. Option B is correct answer, exothermic reaction. Because the formation of uh, ammonium carbamate by the reaction of ammonia with carbon dioxide is a exothermic reaction. Next question. Question number 76. Heating a mixture of phosphate, rock, coke, and sand in an electric furnace to produce. ऑप्शन ए फोस्पेरिक एसिड ऑप्शन बी अमोनियम फोस्फेट ऑप्शन सी फोस्फोरस ऑप्शन डी सुपर फॉस्फेट ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर फोस्फोरस बिकॉज द हीटिंग ऑफ ए मिक्सचर ऑफ फोस्फेटिक रॉक कॉक एंड सैंड इन इलेक्ट्रिक फ़र्नेस प्रोड्यूस फोस्फोरस सी इज़ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन ए पोटास फर्टिलाइजर कंटेंस 50% potassium dioxide it could be option a potassium sulfate option b potassium chloride option c a mixture of nacl and kcl means sodium chloride and potassium chloride option d none of these option a is correct answer potassium sulfate basic fertilizer contains 50% पोटेशियम डाईऑक्साइड इट कुड बी ए पोटासियम सल्फेट सो ए इस करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट कार्बन एंड हाइड्रोजन रेशो बाई वेट ऑफ नैफता यूज्ड इन ए नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर मेकिंग इज़ अबाउट ऑप्शन ए टू ऑप्शन बी सि ऑप्शन सी टेन ऑप्शन डी ट्वेंटी ऑप्शन बी इज़ करट आंसर सिक्स बिकॉज कार्बन एंड हाइड्रोजन रेसो बाय वेट ऑफ नैफता यूजड इन ए नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर मेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन रा मेटेरियल फॉर यूरिया प्रोडक्शन आर ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन ऑप्शन सी अमोनिया एंड कॉबाल्ट ऑप्शन डी अमोनियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आर रिक्वायर्स रॉ मेटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ यूरिया सो बी इज़ करेक्ट आंसर लास्ट क्वेश्चन ए टी एन पी के फर्टिलाइजर इज़ ए ब्लैंक्स फर्टिलाइजर एन पी के मीन्स नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटासियम ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्स ऑप्शन बी मिक्सड ऑप्शन सी नाइट्रोजीनियस ऑप्शन डी फोस्फेटिक्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर मिक्सड फर्टिलाइजर बिकॉज दीज आर द मिक्सड नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटासियम सो बी इज़ करेक्ट आंसर मिक्सड फर्टिलाइजर एन पी इज ए मिक्सड फर्टिलाइजर बी इज़ करेक्ट आंसर डियर फ्रेंड्स ये थे केमिकल टेक्नोलॉजी मेंस फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी के एटी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आई होप लाइक एवरी क्वेश्चन इफ यू हैव डाउट पुट योर डाउट इन कमेंट्स बॉक्स अगर आपने इंजीनियरिंग आई क्यू चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इंजीनियरिंग आई क्यू चैनल जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें थैंक यू थैंक यू वेरी मच